आज का हमारा टॉपिक डिस्कस करें कि अर्थमैटिक एक्सेप्शन होता क्या है और इसे हैंडल कैसे किया जाता है। अर्थमैटिक एक्सेप्शन जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक्सेप्शन होता क्या है। एक प्रोग्राम में एक्सेप्शन जो होते हैं वो एक अनवांटेड इवेंट होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट कर देते हैं, जिससे हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो जब भी किसी भी टाइप का एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम में आता है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना स्टॉप कर देता है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का यूज़ करते हैं। ट्राई यानी जो भी हमें लगता है कि इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ सकता है उसको हम ट्राई ब्लॉक में रखते हैं, और कैच में हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं कि अगर ये एक्सेप्शन बाई डिफ़ॉल्ट आ गया तो हमारा प्रोग्राम क्या करे। तो अर्थमैटिक एक्सेप्शन जावा में ये होता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल या वैल्यू को हम ज़ीरो से डिवाइड करें तो जावा प्रोग्राम हमें एक्सेप्शन यानी एरर प्रोड्यूस कर। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि जब भी जावा में अर्थमैटिक एक्सेप्शन आता है तो JVM उसे हैंडल कैसे करता है। सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं अर्थमैटिक एक्सेप्शन नाम की। इसमें मेन मेथड क्रिएट करते हैं और दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, x और y। x में हम 0 असाइन कर देते हैं और y में 10। देन हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम y को x से यानी 0 से डिवाइड करते हैं। देन अनदर उसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखते हैं जो चेक करेगा कि इसके बाद अगर हम हमारे प्रोग्राम एक्सेप्शन आए तो क्या ये स्टेटमेंट रन करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए हम नया प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम फाइनल स्टेटमेंट नाम से स्ट्रिंग पास कर देते हैं। देन इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही प्रोग्राम रन होता है हमें अर्थमैटिक एक्सेप्शन के रूप में हमें एक एरर मैसेज टर्मिनल पे शो होता है, और हमारा देख पा रहे हैं जैसे कि हमारा फाइनल स्टेटमेंट तो था वो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमारा प्रोग्राम उससे पहले ही टर्मिनेट हो गया। तो इसको फिक्स करने के लिए हम ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। ट्राई और कैच ब्लॉक इंप्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले वो स्टेटमेंट हम ट्राई ब्लॉक में रखते हैं जो कि हमारा एक्सेप्शन अकर हो सकता है। तो इसमें केस में हम डिवाइड बाई एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स की स्टेटमेंट को हम ट्राई ब्लॉक में रखते हैं। देन उसके बाद हम एक कैच ब्लॉक क्रिएट करते हैं जिसमें अगर एक्सेप्शन आने के बाद क्या हो, हमारा प्रोग्राम क्या आउटपुट करे या कैसे हैंडल करे, वो स्टेटमेंट हम कैच ब्लॉक में लिखते हैं। कैच ब्लॉक में हम कीवर्ड कैच का यूज़ करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में हम एक्सेप्शन का नाम लिख के एक ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट करते हैं जो कि बाद में हम उसको यूज़ करके कुछ या तो मैसेज प्रिंट करा सकते हैं या फिर जो भी एक्सेप्शन हो वो हम वो भी उसके साथ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन पैरेंथेसिस के अंदर हम अपना स्टेटमेंट करते हैं। इस केस में हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट की है जो कि प्रिंट करेगी डिवाइड बाई ज़ीरो स्टेटमेंट अगर एक्सेप्शन हो। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन है और उससे हमारा प्रोग्राम सही तरीके से हैंडल भी कर रहा है, जिससे प्रोग्राम इंटरप्ट नहीं हो रहा है और हमें हमारा आउटपुट भी मिल रहा है।